लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब क्या, तुम जीतो यो हारो, सुनो सुन लो। फिर उन्होंने तो कहते ना भगा भगा के कल हमें मारा है। लाला ये क्या हो गया कल? अफगानिस्तान के अंदर अफगानी इतने खुश और खुशी के मारे वो जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान के हारने की खुशी में। आप जाके देखिएगा कि यार ये किस कदर बदतमीज, किस कदर ये पूरी पूरी रैलियां निकाली जा रही है पाकिस्तान के हारने की खुशी। ये पाकिस्तान को हारते हुए देखना, फिटे मुंह करारदाद पेश की है कि हमारी दिल आजारी हुई है, गमो गुस्सा है, रमीज राजा के खिलाफ उन्होंने करारदाद पेश की है, आवाम का गमो गुस्सा। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आपको पता होगा अफगानिस्तान में काफ़ी जश्न का माहौल था और जश्न मनाने के बाद पाकिस्तान से रिएक्शन आने ही थे और रिएक्शन आ गए हैं। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की हार पर क्यों खुशी मनाते हैं, मैंने इस टॉपिक पर प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया। हालांकि जो लोग ये पहली बार वीडियो देखेंगे उनके लिए वीडियो के लास्ट में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो क्लैशेस होते हैं ना, आपको पता है रीज़न क्या है, एक तो धर्म के नाम पे देश बना वो, उसके बाद हेटनेस रहेगी ऑब्वियसली, कश्मीर, बहुत सारे इशू, ये सब के कारण होता है। बेसिकली सबसे मेन तो कश्मीर है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो एक ही धर्म के हैं, फिर उनके बीच इतने क्लैशेस क्यों होते हैं, वीडियो के लास्ट में बताते हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। संडे वाज गुड विद द मैच। हां यस द मैच, यस आई सॉ द मैच। एंड कैसा रहा ये पाकिस्तान को हारते हुए देखना? फिटे मुंह। अच्छा वैसे आपको बताऊं कि बड़ा गमो गुस्सा भी है आवाम में। करारदाद जो है वो भी पेश हुई है पंजाब असेंबली में, नून लीग की रुकन है पंजाब असेंबली, उन्होंने करारदाद पेश की, ज़रा गुस्सा तो है, बहुत गमो गुस्सा है। लेकिन आपको लग रहा था कि ठीक थे, फॉर्म में थे कि नहीं? क्या करारदाद थी? उन्होंने करारदाद पेश की है कि हमारी दिल आजारी हुई है, गमो गुस्सा है, रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ उन्होंने करारदाद पेश की है। तो मेरा ख्याल से जो रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ लोग अब अनसेटिस्फाइड होना शुरू हो गए हैं, उसका नतीजा इस सूरत में निकल रहा है कि आवाम का गम और गुस्सा अब असम्बलीज तक पहुंच गया और करारदाद पेश हुई है पंजाब असम्बली में। मुझे याद है कि जब हम एशिया कप, यही कप खेल रहे थे बांग्लादेश में, मेरा ख्याल है गालबन कुछ 8 साल पहले, तो वहाँ भी पाकिस्तान टीम लॉस्ट टू बांग्लादेश, मेरा ख्याल है कुछ याद पड़ रहा है, और उस वक़्त भी नेशनल असम्बली के अंदर सवाल खड़े हो गए थे कि जी देखिए कितनी बुरी शिकस्त है और शर्म आनी चाहिए एंड सो ऑन। और फिर उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था कि चेयरमैन पीसीबी की छुट्टी कराई जाए, उस वक्त शहरयार खान साहब थे चेयरमैन। ठीक है, लेकिन दिल तो बड़े मायूस हुए हैं सिटी साहब, लेकिन तो वो मैच था जो आम आदमी, लास्ट टाइम जो मैच गुजरा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो गाइस इस पर इतनी खुशी अफगानिस्तान को हो रही थी, गाइस इतनी खुशी इंडिया को होनी चाहिए था, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अफगानी इतने खुश और खुशी के मारे वो जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान के हारने की खुशी में। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक को ये वीडियो दिखाऊंगा, पूरी पूरी रैलियां निकाली जा रही है पाकिस्तान के हारने की खुशी में। लास्ट मैच गुजरा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम मैच नहीं जीत सके। तो इसके मैच के बरक्स में हम देखते हैं जब पाकिस्तान हारता तो श्रीलंका के अंदर, सॉरी अफगानिस्तान के अंदर एक जश्न मनाया जाता है। ऑब्वियसली हमारी एक एक बॉन्डिंग है उनके साथ बींग अ मुस्लिम, और मतलब हमें एटलीस्ट अगर हम लोग हारे हैं या हमने हमारे साथ कोई बुरा वाकया पेश आया है तो हमें एटलीस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज़ करें हम एक दूसरे को, बल्कि इस तरह शो करें कि जैसे हमें तो बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया है इस चीज़ को। तो दैट इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली रॉन्ग, मतलब एक सेंसेबल बंदा, एक प्रॉपरा लिखा बंदा या कोई भी जो किसी भी क्लास का बंदा है वो इस चीज़ को कभी भी इनकरेज नहीं करेगा, वो डिस्करेज करेगा कि आपको एटलीस्ट सपोर्ट की बजाय आप उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब दिस इज वेरी बैड। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो उन्होंने वो रिएक्ट किया उसके बदले आप कुछ नहीं हो उससे?
बेसिकली मतलब गलत किया उन्होंने, मतलब गलत किया, मैं यही बात कह रहा हूँ। इसमें यह है कि मुसलमान कंट्री होने के नाते ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हाँ, इंडिया तो स्टार्ट से हमारी उनसे है, इस तरह की चलती आ रही है चीज़ें। पॉलिटिकल लेवल पे अगर पॉलिटिकल लेवल पे भी देखा अगर जाए तो इस वक्त पाकिस्तान एक एलाय है अफगानिस्तान का। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोग उनसे कोई नफरत करते हैं, वो हमारे भाई हैं, मतलब कि हर मुश्किल में हम लोग सबसे पहले आगे हैं। इवन दो के आपने देखा होगा, नेटो टाइम देखा होगा, मतलब डिफरेंट एराज के अंदर हमने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, खुशी हो गमी हो हमने आगे बढ़ के उनका साथ दिया। लास्ट मैच भी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, तो जब लास्ट के बॉल में कुछ टाइम रह गया, जब हमारे जो आसिफ ने छक्का मारने की कोशिश की लेकिन कैच आउट हो गया, कैच आउट होने के बाद तो आपस में अफगानिस्तान के खिलाड़ी और उनके दरमियान में आपस में झड़प हुई। उसका बरक्स आप देखेंगे कि जो शायकीन बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर वो भी आपस में लड़पड़े। आपके होगा मोस्ट बहुत से वीडियो क्लिप्स वायरल हुए थे जिसके अंदर वो एक ये भी नहीं हया कर रहे थे कि एक किसी और प्रदेश मुल्क में है, क्या इमेज जाता है आपका, तो वो एक दूसरों को कुर्सियां मार रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं। तो ये कौन सा कोई मतलब तरीका है? हाँ, गुस्से का इजहार ऑब्वियसली होता है बीइंग अ नेशन। इन लोगों ने नारेबाजी की, मतलब लिमिट्स क्रॉस किया, लिमिट क्रॉस की। उसके बाद जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, किस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे प्लेयर्स पर होर्डिंग की गई अफगानिस्तान की तरफ से, और जब प्लेयर्स के दरमियान ग्राउंड में हुई तो बाहर भी असर पड़ा उसका। देखा आपने शारजा के स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शायकीन आपस में झड़प पड़े? पूरी रात मैं नहीं सोया, परेशान रहा। पाकिस्तान ने जब से क्रिकेट मैच के अंदर, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। खैर एनीवे, वैसे भी हमारे क्रिकेट प्लेयरों के हाथों में सुराख है, कैच तो ये पकड़ नहीं सकते। तो नहीं, वैसे ये बड़े होशियार बनते हैं, आप इनसे पूछें। वो जो कौन सा लड़का था लंदन की गलियों में डांस कर रहा था ढोल बजाने वाला, भी ये काम बहुत अच्छे हैं सर, इस किस्म के कामों में बहुत अच्छे हैं। एक आपका क्रिकेट प्लेयर, पाकिस्तान ने एक बड़ा मशहूर मैच हारा था, उसके बाद वो जुआ खाने में जुआ खेल रहा था, है ना, और लंदन की गलियों में वो बच्चा, क्या नाम क्या यार उसका, वो जो फड़क फड़क के डांस कर रहा था, ये काम करवा लो इनसे। और वो क्या नाम है यार उसका, वो जो शोएब मिर्ज़ा है यार, वो जो इंडिया की भाभी है, क्या नाम उसका, सानिया मलिक, नहीं मलिक, शोएब मलिक, प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नाम रखे होते हैं, दर्द तके का खेल पेश नहीं करते, फिर कहते हैं कि यार मैं जज्बाती हो जाता हूँ। भाई मैंने जो बात की थी सही की थी कि अली भाई ने बाबर आजम के बारे में क्या कह दिया, इंडिया वाले मेरी क्लिप चला रहे, पाकिस्तान में वायरल हो रही है, लोग बोल रहे हैं यार इंडिया का एंकर कितना अच्छा है। इस पर सुनाऊं क्या दो तीन तुम लोगों को, मैं पाकिस्तानी एंकर हूँ भाई, मेरा दिल रो रहा है यार, उन लोगों पर कोई असर ही नहीं होता ना, असर क्या होता है, लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब क्या, तुम जीतो यो हारो, सुनो सुन लो फिर। खैर एनीवे, अब मैं और नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि इंडिया वाले मेरी क्लिप वायरल करते हैं और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन जो है वो हमारी क्लिप लेकर उसको वायरल करे और मेरे मुल्क के लोगों का दिल दुखाए जो पहले से ही बहुत सख्त दुखा हुआ है। और रमीज राजा बोल रहा है अवाम ये के, रमीज राजा तो पकड़ में आ जाए किसी दिन, यकीन करो। अच्छा खैर एनीवे, छोड़ो अब इन बातों को, भूल जाओ, अब ये भूल जाओ, पाकिस्तानी भूलने में बहुत अच्छे हैं। एक हम बिछड़ी मोहब्बत को भूल जाते हैं, उसके बच्चे आके मामू कहते हैं, हम बड़े खुशी से कहते हैं बेटा क्या है, ठीक हो, अब्बू कैसे, अम्मी कैसी, ठीक है ना, बिल्कुल वही कंडीशन हम लोगों की भी है ना, क्रिकेट मैच हार गया उसके कोई नहीं क्रिकेट। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही थी कि अफगानिस्तान के लोग जश्न मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे रमीज राजा को लेकर भी बात हुई और लास्ट में एंकर जो फनी रिएक्शन दे रहा था कि पाकिस्तान की हार पर किस तरीके से वो रिएक्शन दे रहा था वो भी देखा होगा आपने। लेकिन टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान की हार पर पाकिस्तान में जो रिएक्शन आए हैं, अफगानिस्तान के लोग क्यों ऐसा सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान की हार को। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच इशू क्या है, मेन इशू है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन सबसे पुराना, उसके बाद अफगानिस्तान की बर्बादी का कारण पाकिस्तान को वहाँ के लोग मानते हैं। आपको बता दूँ भारत से काफ़ी फ्रेंडली रहता है अफगानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से क्यों नहीं रहता, मुस्लिम कंट्री है। रीज़न आपको पता होगा, जब अफगानिस्तान में रशिया था या जितनी भी बाहर की ताकतें थीं तो उनसे वहाँ के लोकल लोग फाइट जैसा भी कर रहे थे वो कर रहे थे, बट
इन्होंने क्या किया वहाँ पर, रशिया के खिलाफ यूएसएसआर को तोड़ने के लिए जिहादी पैदा किए, वहाँ बनाए, ट्रेनिंग दी, हथियार दिया, सब कुछ दिया, वहाँ पर हुई सिविल वॉर, बहुत तबाही मची, लोग माइग्रेट करे पाकिस्तान, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, लोग माइग्रेट करे पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में आकर अब भाई किसी शहर में सिविल वॉर होगी तो वहाँ के लोग तो आपको पता है सब कुछ ठप हो जाएगा, तो वो वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए, 30 साल पहले की बात है। और वो पाकिस्तान इसलिए आए क्योंकि पश्तून बेल्ट जो है, पश्तो बोलने वाले लोग यहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी हैं, तो जो पेशावर में थे वहाँ पर आ गए, कुछ लोग कराची चले गए क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ रोज़गार की तलाश थी इस वजह से। फिर उसके बाद क्या हुआ, रशिया गया, यूएस आया, यूएस के साथ क्या हुआ, यूएस ने वहाँ पर ऑब्वियसली अलकायदा को मारने के लिए आया था, इन्होंने तालिबान बना दिया, तालिबान बनाने के बाद क्या हुआ आपको पता, यूएस से भी पैसे लेते रहे, तालिबान से भी पैसे लेते रहे, दोनों तरफ से डबल गेम खेला, वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान का माल बन रहा है। अभी भी आपने देखा होगा, अभी यूएस का एक ड्रोन स्ट्राइक हुई, कहाँ से एयर स्पेस, पाकिस्तान से एयर स्पेस, इनको पैसा मिला होगा ऑब्वियसली, इन्होंने अब तालिबान के साथ डबल गेम खेल लिया, इस तरीके की इन्होंने हरकतें की हैं। तो उन लोगों को ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि ये ऐसा है कि सीक्रेट तरीके से कर लोगे, भाई ये चीज़ें छुपाई नहीं जाती, पता चल जाती हैं उन लोगों के जो लोकल से, उनको सब कुछ पता चल गया कि भाई ये कर रहे हैं पंजाबी, बेसिकली वो पाकिस्तान को पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी, इनकी वजह से हमारा देश बर्बाद हुआ है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी रहती पंजाबी, मतलब वो पंजाबी बोल सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, ये भी उनके साथ एक सीरियस इशू है, पढ़ नहीं सकते, बोल बस सकते हैं। तो और दूसरा ड्यूरेन लाइन का मैंने आपको बताया, ड्यूरेन लाइन विंटर कैपिटल क्लेम करते हैं पेशावर को, वो अपनी बोलते हैं भैया आपका इलाका अटक से स्टार्ट है, पहले एक कहावत चलती थी अटक से कटक हिंदुस्तान, तो अटक से आपका एरिया स्टार्ट होता है, इसके पहले का हमारा है, मतलब केपीके का पूरा इलाका वो क्लेम करते हैं, ये बेसिकली वजह है। और बस यही है सबसे मेन जो रूट कॉज है। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज़ कॉमेंट में अपने